ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वीडियो का टाइटल हमने देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करने वाला हूँ, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा हमेशा की तरह। तो आप सिंपली वीडियो देखने वाले जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस आज की इस नई इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना किसी रुकावट के हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। फिर उसके बाद आप सबको जाना है ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में जाने के बाद गाइस आप सबको यहाँ पे क्या करना है, आप सभी को यहाँ से जाना है ऐड फोटो में। सो ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को यहाँ पे अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड कर लिया है। तो उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, पहले तो मैं इसके साइज़ को कुछ इस टाइप से यहाँ पे बड़ा कर लूँगा। साइज़ को बड़ा कर लेने के बाद हमें इसको रोटेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं थोड़ा और साइज़ बड़ा कर देता हूँ इसको, हम यहाँ इतना बहुत है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ से पहले तो मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं जाऊँगा ट्रांसफॉर्म में, तो थ्री रोड पर क्लिक करेंगे एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे एंड इसको मैं इस साइड को कर दूँगा, ठीक है। तो गाइस इतना हो जाने के बाद आप सभी फिर क्या करना है, अगर आप भी रोटेट करना चाहते हो ऐसे कर लेना, बाकी आपकी फोटो का सही एंगल से हो तो फिर ठीक बात है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी फिर क्या करना है, मीडियम लेयर बनानी है एंड उसके बाद आप सभी स्क्रीन पर प्रेस करना है। यहाँ से आप सभी को ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आप सभी यहाँ पे हार्ड ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है एंड इसके साइज़ को आपको फुल कर देना है एंड उसके बाद यहाँ पे सेट कर देना है एंड उसके बाद आप सभी को पूरे स्क्रीन में एक बैकग्राउंड से मतलब इसकी पूरा एक बैकग्राउंड बना देना, ठीक है। पूरी लेयर मतलब इस टाइप की बना देनी, ठीक है। उसके बाद आप सभी फिर क्या करना है, आप सबको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद आप सभी को इसको आपको कॉपी कर लेना है एंड उसके बाद आपको अपने मॉडल को सबसे ऊपर ले जाना है एंड और उसके बाद आपको फिर इसका ब्लेंडिंग मोड जो है इसका XOR कर देना है एंड उसके बाद आप सभी को इसको मर्ज कर देना है मॉडल और इसको एंड उसके बाद आप सबको दोबारा से XOR कर देना है एंड कुछ ऐसी लेयर बनेगी तो उसको आपको सेव कर लेना है, ठीक है। सेव कर लेने के बाद आप सभी को फिर इसको यहाँ पे सब कुछ अंडो कर देना है, ठीक है। पहले की तरह सब कुछ अंडो कर देना है एंड उसके बाद इस लेयर को सबको ऑफ करने के बाद आप सभी को जो आपको मॉडल है उसको यहाँ पे सेम ऐसे ही सेव कर लेना है। फिर इतना कर देने के बाद आपको सिंपली यहाँ से डिस्कार्ड कर देना है एंड उसके बाद फिर आप सभी को यहाँ से जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सबको जो आपने मॉडल को भी सेव किया था उसको यहाँ पे ले आना है एंड आपको सेम फुल स्क्रीन कर देना है ऐसे, मतलब पहले की तरह एकदम ऐड हो जाएगा जैसे टोटल में हुआ था। उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, थोड़ा सा ओपेसिटी कम करना है एंड यहाँ पे इरेजर टूल में जाना है एंड हार्डनेस को फुल करना है, यहाँ पे आप सभी को थोड़ा सा इरेज करना है। ओके गाइस तो इरेज कर लेने के बाद आप सबको फिर क्या करना है, इसकी ओपेसिटी फुल कर देनी है। यहाँ पे ओपेसिटी को फुल करने के बाद आप सबको सिंपली डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे डन कर देना है। तो हम इसके यहाँ पे पहले डन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये परफेक्ट है तो उसके बाद आप यहाँ पे डन कर देते हैं एंड उसके बाद गाइस आप सबको फिर क्या करना, आप सबको जाना दोबारा से ऐड फोटो में एंड उसके बाद जो आपने किया इस लेयर बनाई थी इसको कॉपी किया था इसको आपको सिंपली ले लेना है एंड आपको फुल स्क्रीन कर देना है एंड फुल स्क्रीन कर देना है एंड उसके बाद आप सबको फिर इसका जो ब्लेंडिंग मोड है उसको कर देना है ओवरले, ठीक है। ओवरले कर देना है एंड उसके बाद आप सबको इरेजर टूल में जाना है एंड ऊपर ऊपर का जो एरिया है ओनली जो मतलब कि यहाँ तक का इसको आपको इरेज कर देना है, ठीक है। तो जो हमारा नीचे का एरिया है वो मतलब कि अब लग रहा है कि हाँ वो हमारा जो मॉडल है वो पानी में बैठा है, ठीक है। तो गाइस आपसे कुछ स्टेप से इरेज कर देना है अच्छी तरीके से एकदम एंड इरेज कर देने के बाद आपसे फिर क्या करना है, थोड़ी सी ओपेसिटी कम कर लेनी है यहाँ पे, इतनी नहीं मतलब इतनी रख लेना, ठीक है। तो कुछ 65 तक एंड उसके बाद आपसे फिर क्या करना है, आपसे यहाँ पे कर देना डन एंड उसके बाद गाइस आपसे फिर क्या करना है, आपसे यहाँ पे अब थोड़ा सा मतलब कि इसमें जाना है ऐड फोटो में एंड ये वाला PNG ले लेना है, ठीक है, शेडो का और डार्कनेस का, ठीक है। तो उसके बाद आपसे इसको कुछ स्टेप से फुल स्क्रीन कर देना है एंड कुछ स्टेप से ऐड हो जाएगा। तो देखिए गाइस इसको हम बिफोर एंड आफ्टर करके देखते हैं। तो गाइस कुछ फ़र्क हो नहीं रहा है वैसे, बट हम इसको थोड़ा ऊपर की तरफ करके लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ठीक है एंड उसके बाद आपसे अब यहाँ पे कर देना है डन, ठीक है। तो डन कर देना है एंड उसके बाद आपसे अब क्या करना है, आपसे यहाँ से जाना है इसमें टूल्स में, फिर एडजस्ट में जाना है। फिर एडजस्ट में जाने के बाद आपसे एक्सपोजर ऊपर की तरफ बढ़ा देना है, इरेजर टूल में जाना है, इन्वर्ट कर देना है, ब्रश को सिलेक्ट करना है, साइज़ को छोटा कर देना है, ठीक है। तो साइज़ को छोटा कर लेंगे हम यहाँ पे एंड उसके बाद हम फेस को जूम करेंगे, फेस तक फेस के पास जाएंगे एंड थोड़ा सा हम फेस के ऊपर डोजन बन करेंगे, ठीक है। तो हम कुछ इस टाइप से कर लेंगे एंड हम यहाँ पे भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आपसे फिर क्या करना है, इसका जो अमाउंट है इसको आपको थोड़ा अराउंड कुछ 6 या 11 तक रख देना है, ठीक है। 11 तक रख देना एंड कर देना डन एंड उसके बाद यहाँ पे आप सभी को अपनी फोटो कर लेना सेव एंड इसमें करनी है हमें कलर करेक्शन, जो कि हमारा रिजल्ट कलर करेक्शन के बाद ही आएगा। तो ऐसे हम चलते बैक एंड ऐसा अपने लाइट रूम मैप ओपन कर लेते हैं एंड गाइस जब तक हमारा लाइट रूम मैप ओपन हो रहा है और यार अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि यार आपकी एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है और वीडियो लाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर आप में से कोई भी भाई चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि यार मैं जो भी वीडियो डालूँ उसके अपडेट आप सबको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो चलिए गाइस अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो ऐड हो चुकी है तो अब आप सभी को करना क्या है, इसमें थोड़ा सा लाइट एडजस्ट करनी है। तो इसके लिए हम जाएंगे लाइट वाला ऑप्शन में, कॉन्ट्रास्ट को आगे बढ़ा देंगे, हाईलाइट को जो है हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे एंड जो शेडो है इसको भी हम थोड़ा बढ़ा देंगे एंड जो
शेडो को थोड़ा कम कर लेंगे, एंड यहाँ पे जो वाइट है इसको हम थोड़ा बढ़ा देंगे, एंड जो ब्लैक है इसको कम कर देंगे। ठीक है, इतना कर देने के बाद आपसे फिर जाना लाइट कलर्स वाला ऑप्शन में, इसका एक्सपोज वाइब्रेशन बढ़ा देना है, टेम्परेचर कम कर देना है, मिक्स में जाना है, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, सेचुरेशन को माइनस करना है, ल्यूमिनस को बढ़ा देना है, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको येलो कलर लेना है एंड इसके सेचुरेशन को माइनस कर देना है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको डार्क ब्लू में जाना है, इसके सेचुरेशन को माइनस कर देना है। ठीक है, एंड स्काई ब्लू में जाना है एंड इसका ह्यू माइनस, सेचुरेशन प्लस, एंड उसके बाद यहाँ पे डन कर देना है। एंड उसके बाद आपसे जाना है नीचे वाले टूल में, तो पहले हमने इसका यार ब्लू कलर को थोड़ा इसको हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा जो मतलब कलर है ना इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसमें जाएंगे एंड यहाँ पे क्लियरिटी को बढ़ा देंगे, एंड इसके बाद जो फोटो में विग्नेट है हल्का सा विग्नेट डालना है। ठीक है, तो विग्नेट डाल देंगे एंड इसके बाद ग्रेन अमाउंट भी बढ़ा देंगे, एंड नीचे वाला टूल में जाएंगे, फोटो की जो शार्पनेस इसको बढ़ा देंगे, एंड जो नोड डायरेक्शन हम इसको भी बढ़ा देंगे, एंड जो कलर नोड डायरेक्शन हम इसको भी बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद आपसे फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे दिखेगा इस बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस यहाँ पे हमारी फोटो एकदम परफेक्टली एडिट हो चुकी है। आई होप कि आपसे वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप में से कोई भी भाई चैनल पर ना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।